क्या आपने कभी बिजनेस करने का सोचा है, या कभी आपने ये सोचा है कि आपका अपना खुद का एक बड़ा एम्पायर हो? अगर हाँ, तो आज मैं राहुल झा आपकी मदद करने वाला हूँ। जानना नहीं चाहेंगे कैसे? दरअसल इसमें आपकी मदद मैं बिजनेस की डिटेल जानकारियाँ देकर करूँगा। जी हाँ, आज IID के प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर इंडिया TV के माध्यम से हम जानने वाले हैं स्कूल बैग्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, स्कूल बैग्स सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपकी और मेरी भी बचपन की यादों से जुड़ा है। बचपन में हम सब नए नए रंगीन स्कूल बैग्स को देखकर कितने खुश हो जाते थे, है ना? मानो जैसे नया स्कूल बैग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की खुशियां हमारे हाथों में आ गई हो। दरअसल आजकल स्कूल बैग कई आकारों, डिजाइन और साइज के मार्केट में अवेलेबल हैं। इनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स कम उम्र से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक करते हैं। और इन्हीं यादों के साथ अगर आप भी अपना स्कूल बैग मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो न सिर्फ अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, बल्कि जो बच्चे आपके बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी बचपन की यादों में भी आपका एक अहम योगदान होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री की और जानते हैं स्कूल बैग मेकिंग बिजनेस की डिटेल्स के बारे में। हेलो, मेरा नाम जतिन कुकरेजा है और हमारी फैक्ट्री ट्रॉनिक सिटी में प्रीतम एंड कंपनी के नाम से है और हम बैग मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग, ये फैमिली बिजनेस है और हम काफ़ी सालों से इस बिज़नेस के अंदर हैं। और जो हमारी यहाँ पे ट्रॉनिका सिटी में कंपनी रजिस्टर्ड है, वो 2019 में है। और यहाँ पे हम जो बैग्स की वैरायटी है, जैसे कि जूट बैग्स, कैनवस प्रमोशनल बैग, बैकपैक, ट्रैवलिंग बैग, शेविंग बैग, लंच बैग, हम बैग्स की सारी अन्य प्रकार की वैरायटी भी बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग, अभी हमारा जो सेटअप है उसमें लगभग 70-80 मशीनें हम चलाते हैं और इन हाउस प्रिंटिंग करते हैं, इन हाउस स्टिचिंग होती है और सारा रॉ मटेरियल स्टॉक वगैरह सब हम यहीं पे रखते हैं। और ये जो हम बैग्स बनाते हैं, हमारे क्लाइंट पैन इंडिया में है, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेके चेन्नई तक चले जाइए, चाहे आप अहमदाबाद से लेके सिलीगुड़ी तक चले जाइए, सबके हम यहाँ पे बैग कस्टमाइज भी करते हैं और उनके ऑन ऑर्डर जो होते हैं वो हम सेम उनकी आइटम वैसे ही बना के उनको सप्लाई करते हैं। फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए? IID है ना? IID में पाएं बिजनेस की तमाम इंडस्ट्री से जुड़ी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। हमारे बैग्स के अंदर जो रॉ मटेरियल लगते हैं, वो पॉलिस्टर फैब्रिक लगता है, कैनवस फैब्रिक लगता है, जूट फैब्रिक लगता है और पॉलिस्टर की लाइनिंग लगती है। इसके अलावा नायलॉन लाइनिंग लगती है और एयर मेश लगता है, EPE फोम लगती है, चेन लगती है, जिपर्स लगते हैं, प्लास्टिक की फिटिंग्स लगती है, स्टिकर्स लगते हैं एक्सेसरी में और पॉली बैग वगैरह और पैकिंग होके कार्टून में जाते हैं, वो सब हमारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाते हैं और कंज्यूमर यूज़ करता है उनको, क्योंकि बैग्स जो हैं वो एक इवन सिंगल पर्सन को भी एक लाइफ टाइम में 3 या 4 बैग्स जरूरी होते हैं। जैसे कि एक कैरी बैग हो गया, चाहे ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग बैग हो गया, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस बैग चाहिए, स्कूल जा रहे हैं तो बैकपैक चाहिए। तो हम जो बैग्स बनाते हैं वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के एंड यूज़र के पास जाता है और वो हर जगह वो बैग्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है। जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, सबसे पहले तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके सैंपल अप्रूव कराते हैं, उसमें उनकी क्या डिज़ाइनिंग होनी है वो डिज़ाइनिंग अप्रूव कराते हैं, फिर वो सैंपल के पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न से कटिंग टेबल पे जाता है, कटिंग टेबल पे हम लेयर लगा के रोल्स की कटिंग करते हैं, वहाँ से फिर वो स्टिचिंग पे जाता है, स्टिचिंग के बाद वो फिनिशिंग रूम में जाता है जहाँ पे उसकी थ्रेड की ट्रिमिंग होती है, क्वालिटी चेकिंग होती है, पॉली बैग में वो पैक होते हैं, फिर मास्टर पॉली बैग में पैक होते हैं और उसके बाद कार्टून में पैक होकर वो डिस्पैच होता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट मशीन यूज़ होती है वो सिंगल फुट मशीन यूज़ होती है और टॉप एंड बॉटम फुट मशीन यूज़ होती है, और ये हमारे बैग लाइन की सबसे मेन मशीन्स हैं, जो हमारी 70-80% मशीन्स हमारी यूज़ होती हैं। उसके अलावा हमें जो मशीन्स हैं वो कटिंग के लिए यूज़ करनी होती है, जिसमें रोलर मशीन, इवन जो स्ट्रेट नाइफ मशीन है वो यूज़ होती है। फिर उसके बाद जब हमारा बैग बन गया प्रेशर मशीन पे और डबल फुट मशीन पे, तो उस पर वो बाटक के लिए जाता है जिस पे जिगजैग की सिलाई होती है। उसके अलावा थ्रेड ट्रिमिंग की मशीन यूज़ होती है हमारी। बस यही 4-5 मेन कैटेगरी की मशीन्स यूज़ होती हैं। जो हमारे बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अलग स्टिचिंग मशीन के अलावा जो हमारी मशीन यूज होती है,
वो हमारी डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन होती है, एम्ब्रॉयडरी की मशीन होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीन्स होती हैं, और इसके अलावा जो हम एसेसरी मशीन में ट्रिमिंग मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं जो हमारे धागे वगैरह काटने के लिए यूज़ होते हैं, और अगर हम हैवी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमारी पैटर्न मेकर मशीन भी यूज़ हो सकती है, जिसमें हम नियरली 20x30 इंच का पैटर्न भी बना सकते हैं बैक को डिज़ाइन करने के लिए, बैक साइड को डिज़ाइन करने के लिए। मैन पावर की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपका 15-20 मशीनों का सेटअप है तो आपको लगभग 20 से 25 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे नियरली 80 मशीनें चल रही हैं, और जो यहाँ पे पावर यूज़ हो रही है वो जो मीटर लगे हुए हैं वो 25 किलोवाट के यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारी पावर कंजम्पशन पूरी हो जाती है। अगर हम प्रॉफिट रेशो की बात करें तो बैग इंडस्ट्री के अंदर सपोज़ अगर 100 रुपीज़ का बैग है तो उसके अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो नियरली 25% के आसपास आएगा और नेट प्रॉफिट नियरली 10% के आसपास आएगा। अगर आप अपना बैग इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं 15-20 मशीन से लेके, तो आपकी जो स्टिचिंग मशीन्स है वो नियरली 20-30,000 की रेंज में एक मशीन आती है, और इसके अलावा आपको अगर हम देखें तो हमें जो कैपिटल फ्लो है वो नियरली 2-3 लाख का सेटअप में मिनिमम स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप अपना बिजनेस बैग मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो नियरली आपको 10-15 लाख से स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तीस सेक्टर्स की 2000 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज में बिजनेस आइडिएशन से इम्प्लीमेंटेशन तक क्लाइंट फुल सपोर्ट। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। एक बैग इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको जो बेसिक सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको MSME सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं अगर आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, और इसके अलावा GST सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आएगी, आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, और फायर NOC की रिक्वायरमेंट आएगी, और अगर आप इनको क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ISO BIS सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं। थैंक यू। इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैंने आपको बताया कि स्कूल बैग्स की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी बिजनेस शुरू करेंगे और अपने साथ साथ देश के विकास में भी सहयोग देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे नए एपिसोड में इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए IID का प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर इंडिया TV। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।